दिवाली का त्यौहार ख़त्म हो गया है और एक के बाद एक बहुत सारे त्यौहारों में हमने खूब सारी जी भर के मिठाइयाँ खाई हैं। तो इतनी सारी मिठाइयाँ खाने के बाद अब हम सबका दिल करता है कुछ चटपटा सा खाने का, कुछ मज़ेदार सा खाने का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने बनाई है एक बहुत ही स्पेशल वाली रगड़ा चाट, क्योंकि ना तो इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है ना बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, और तेल तो इसमें नाम मात्र का लगता है, तो आप इसको बेझिझक खा सकते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाएँ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फिर शुरू करते हैं यम यमी चाट बनाना। इस चाट को बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी सफ़ेद वाला मटर, जो सूखा मटर आता है, और इसको रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। अब ये इस तरह का हो गया है। भिगोने से पहले आपको कम से कम दो बार इसको पानी से अच्छे से धोना है। अब हम इसे उबालेंगे। तो उबालने के लिए एक चुटकी इसमें हल्दी डाल दी, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, और स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें नमक। डेढ़ गिलास पानी डालकर 5-6 सीटी आने तक हमें मटर को उबालना है। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा भी पक जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो रगड़ा होता है ये थोड़ा सा ओवर कुक ही अच्छा लगता है। जब घुटा घुटा होता है ना, मतलब ये पूरा, तभी इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं ढक्कन लगा के 4-5 सीटी आने तक इसको उबाल लिया मैंने, और अब जब पूरा प्रेशर अपने आप कुकर का निकल जाएगा उसके बाद आपको ढक्कन खोलना है। तो मटर हमारे बहुत अच्छे से उबल गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इसके लिए आप हाथ में एक दाना लेके चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का इसमें लगाना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना तड़के के भी इसको बना सकते हैं। बस इसमें सूखे मसाले थोड़े से जो आप चाहें वो इसमें, जैसे मिर्ची हो गई, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, इस तरह के मसाले डाल के इसको ऐसे भी मैश कर सकते हैं, और चाहें तो एक तड़का लगा सकते हैं। तो मुझे ये तड़के वाले पसंद है। तड़का लगाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल, सिर्फ 1 चम्मच डालनी है। तेल की जगह आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं जाता। कम तेल में बनने वाली एक बहुत अच्छी वाली चाट है, और फ्लेवर के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है देसी घी। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा इसमें डाल देंगे 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, 8 से 10 कलियां लहसुन, और 2 हरी मिर्च मैंने कूट के ले ली हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें प्याज को भूनना है। प्याज का और लहसुन का पूरा कच्चापन जब निकल जाएगा तब इसमें डालेंगे हम बाकी की चीज़ें। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। अगर आपको अपना रगड़ा बिल्कुल सफ़ेद कलर का चाहिए तो आप इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसको खट्टा करने के लिए, इसकी जगह आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने मटर में पहले से ही डाल लिया था, इसलिए अब मसालों के हिसाब से नमक डालेंगे। जैसे ही मसाले पक जाएंगे उसके बाद डाल देंगे कटे हुए टमाटर। 2 टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे हमने डाला है थोड़ा सा पाव भाजी वाला मसाला। आधी चम्मच के जितना तो टमाटर देखिए हमारे बढ़िया से इस टाइम पे मैश हो गए हैं। इस तरह से मैसर की सहायता से आप इसको बिल्कुल अच्छे से बारीक कर दें। कोई भी चीज़ इसमें अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, सारी चीज़ें एक जगह घुटी घुटी होंगी तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। तो पूरे टमाटर को हमने मैश कर दिया। 1 चुटकी मैंने यहाँ पे हल्दी भी डाली है, और 1 चुटकी भर नमक और डाला है। तो मसाले भुनने के बाद अब इसमें डाल देंगे अपने उबले हुए मटर, और अब इसका जो मेन काम है इसको
आप सभी को पता है कि रगड़ा पैटीज बोलते हैं वो किस लिए बोलते हैं कि जो ये मटर होते हैं ना, इनको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से रगड़ा जाता है, मतलब मैश किया जाता है। सारे दाने आपको इसके नहीं मैश करने हैं, थोड़े थोड़े दाने इसमें खड़े भी दिखाई देने चाहिए, मतलब एक हिस्सा मटर का जो है वो साबुत रहना चाहिए, बाकी के आप हल्के हल्के हाथ से इस तरह से मैश कर दें। जैसे जैसे इसको मैश करते जाएंगे इसका जो स्टार्च है वो निकलता जाएगा। चाहे तो आप इसमें एक आलू भी फोड़ के डाल सकते हैं। तो रगड़ा हमारा पक रहा है, 4-5 मिनट उसको और पकाएंगे, तब तक हम कर लेते हैं अपनी पैटीज की तैयारी। आलू मेरे अच्छे से उबल गए थे और इनको मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है, अब हम इसको मैश करेंगे। चाहे तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से मैश हो जाते हैं। बिल्कुल बारीकी से हमें सभी आलू को फोड़ लेना है। ये देखिए कोई भी इसमें बड़ा टुकड़ा नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम 2 से 3 ब्रेड। ब्रेड को मैंने देखिए इस तरह से अभी अभी पीस के लिया है, ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन कूट के, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये जो हमने ब्रेड लिए सिर्फ इसको बाइंड करने के लिए लिए है, जो हम टिक्की बनाएंगे ना वो इससे बाइंड हो जाएगी। अब कुछ पाउडर मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और सभी मसाले डालने के बाद अब इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप इसमें मसाले चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई मसाला कम लग रहा है तो उसको आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करना है। जो हमने ब्रेड डाली है ना, ये क्या करेगी, आलू का सारा मॉइस्चर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप इसमें 2-3 चम्मच पोहा डाल सकते हैं। पोहा को आप हल्का सा धो के उसके बाद डालिए। और अगर आपको आपके आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है तो बिना ब्रेड क्रम्स या बिना पोहा का भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए इस तरह से सारा मसाला मिक्स करना है। और ये वाली टिक्की करारी नहीं बनती है, मतलब ज़्यादा कुरकुरी नहीं होती है, इसलिए मैंने इसमें चावल का आटा या कुछ भी नहीं डाला। इस तरह से लड्डू सा बना के देख लीजिए, ये बिल्कुल हाथ पे आलू चिपक नहीं रहा है, बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार हो गया। तो इसमें से छोटी छोटी हम लोइयां निकालेंगे और छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं मीडियम आकार की बना रही हूँ, ये देखिए। और बोर्ड पे इस तरह से इसको शेप दे लेंगे जिससे कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल में टिक्की बन जाए। और इतने मिक्सचर में हमारी 20 टिक्कियां बन जाएंगी। आप इन टिक्कियों को चाहें तो फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, फ्रीजर में ये 15 से 20 दिन तक एकदम सही रहती हैं। तो जब भी आपका मन करे आप फटाफट से इसको सेक के खा सकते हैं, मतलब हल्का सा फ्राई कर लें जब भी आपका मन करे इसको खाने का, चाट वगैरह तो खाने का देखिए बारिश के मौसम में मन करता ही है। तो अब सारी टिक्कियाँ इसी तरह से हम बना लेंगे, साइज एक जैसा ही रखेंगे ताकि देखने में भी अच्छी लगे। और ये देखिए बिल्कुल हमारे हाथों पे चिपक नहीं रहा है जो मिक्सचर है ना, 2 ब्रेड ने कितना बढ़िया काम कर दिया है। आलू का सारा मॉइस्चर देखिए सोख लिया है। ये देखिए हाथ एकदम क्लीन आ रहे हैं, बिल्कुल ये चिपक नहीं रहा। अब इसे हम सेकेंगे। तो सेकने के लिए आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन ले सकते हैं, मैं लोहे के तवे पे ही सेक रही हूँ। से हल्की हल्की सी इस पे ऊपर क्रिस्पी लेयर आ जाएगी। तो ज़रा सा तेल डाल के इस तरह से इसको सेकेंगे। तेल की जगह आप इसको बटर में भी सेक सकते हैं, बहुत थोड़ा सा डाला है, 1/2 चम्मच जितना ही। 1-2 बार आपकी टिक्कियाँ चिपकेंगी, लेकिन जब आप दूसरा बैच इस पे डालेंगे ना वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, ये तवा नॉन स्टिक जैसा ही हो जाएगा। और इसके ऊपर ऊपर जो ये लोहे के तवे पे ब्राउन ब्राउन सी परत आती है ना, वो इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। लोहे के बर्तन में आप सभी को पता है खाना बनाना कितना ज़्यादा हेल्दी होता है और इसका स्वाद ही अलग लेवल का होता है। तो मर्जी आपकी है, आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन पे सेक लें, चाहें तो लोहे का पैन भी ले सकते हैं, लोहे का तवा भी ले सकते हैं।
दोनों तरफ से इस तरह का हल्का हल्का जब ब्राउन कलर हो जाएगा तब तक हम इसे सेकेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सिक गई है हमारी पेटीज। बच्चे इन टिक्कियों को, इन पेटीज़ को ब्रेड में या बंस में डाल के भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगती हैं खाने में। तो आइए अब इसको सर्व कर लेते हैं। रगड़ा हमने पहले ही बना लिया था और हमारी पेटीज़ भी बनके तैयार हो गई। तो खूब सारा, आप देखिए सभी टिक्कियों के ऊपर हम रगड़ा डाल देंगे। ये चाट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है फ्रेंड्स खाने में, आप ज़रूर ट्राई करना। एक चम्मच तेल में बनने वाला ये सबसे हेल्दी स्नैक्स आप कह सकते हैं। ऊपर से डाल देंगे कटे हुए प्याज और इसे इमली की चटनी और हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। तो मेरे पास पहले से ही इमली की चटनी बनी हुई रखी है। इसमें ऊपर से आप थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर भी चाहें तो स्प्रिंकल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कैसा टेस्ट पसंद है। ये देखिए कितनी बढ़िया पैटीज बनी हुई हैं। तो दोस्तों आज की चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाएं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी को गुड बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें।